गाइस थैंक्स फॉर क्लिकिंग। माय नेम इज़ गगनदीप सिंह एंड आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं वो राइटिंग 7 प्लस सीरीज़ की फोर्थ वीडियो होगी। और इससे पहले मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, आप उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे आप देखिए। आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ कंडीशनल सेंटेंस इन राइटिंग टास्क 2। सो गाइस मैं क्यों कह रहा हूँ कि आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप अपने टास्क 2 में कोई भी कंडीशनल सेंटेंस को यूज़ करते हो गाइस, सो यू विल गेट हायर मैट स्कोर, बिकॉज कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं जी गाइस कम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं और आपको पता ही है कि हमने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी शो करना होता है टास्क 2 में। तो आइए गाइस देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है, बेसिक से हम चलेंगे, एक ही मिनट का काम है गाइस। ओके, जो कंडीशनल सेंटेंस गाइस इसका नाम क्यों पड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझिएगा, इस एग्जांपल से कोई भी चीज़ समझी जा सकती है। अगर मैं आपको कहूँ हिंदी में कि अगर मेरा दोस्त मेरे घर पर आया तो हम मार्केट जाएंगे, गाइस मैं अगर आपको कहूँ कि आप मार्केट कब जाएंगे, अगर आपका दोस्त अपने घर आया, आपके घर आया, यानी कि आप जे काम तब करेंगे अगर जे काम हुआ तो, यानी कि मार्केट जाने के काम के लिए एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि आपका फ्रेंड आपके घर आना चाहिए। भाई इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एक्शन होने की कोई ना कोई कंडीशन हो, इसीलिए हम इसे गाइस कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल और करते हैं, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर उसने मुझे कॉल की तो मैं तुम्हें मेल कर दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें मेल कब करूंगा अगर उसने मुझे कॉल की, अगर जे कंडीशन फुलफिल हो गई तो मैं जे काम कर दूंगा, इसीलिए गाइस आप इसे कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं गाइस वो अब हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता चल गया कि कंडीशनल सेंटेंस कौन से होते हैं जिसमें कोई भी काम करने की कोई ना कोई कंडीशन दी गई हो, अगर वो कंडीशन पूरी हो गई तो जे काम गाइस हो जाएगा। सो गाइस पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है गाइस, इसमें एक कंडीशन होती है, यानी कि दो सेंटेंस होते हैं, एक तो कंडीशन, ओके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर वो मेरे घर आया, जे एक सेंटेंस है, जे कंडीशन है तो हम मार्केट जाएंगे, जे गाइस मेरा दूसरा सेंटेंस, यानी कि दो सेंटेंस होते हैं जो आपस में कॉमे से जुड़े होते हैं गाइस। आपको पंक्चुएशन इसमें याद रखनी है, पंक्चुएशन की एरर आपको टास्क 2 में नहीं करनी। ओके, तो गाइस जो भी कंडीशन होती है, जैसे मैंने कहा कि अगर वो मेरे घर आया, अगर को गाइज हम इफ़ कहते हैं इंग्लिश में, और गाइज जो मेरा इफ़ वाला सेंटेंस है अगर मैं उसे स्टार्टिंग में यूज़ कर रहा हूँ तो एक सेंटेंस के बाद कॉमा आएगा और फिर गाइज दूसरा सेंटेंस होगा, और अगर मैं दूसरा सेंटेंस जो काम होना है बाद में अगर मैं उसे पहले लिख रहा हूँ और इफ़ मेरा जो है वो मिडल में है तो गाइज कोई भी कॉमा नहीं आएगा। सो गाइज आपने देखा कि कैसे इसमें पंक्चुएशन का ध्यान रखना है, अगर इफ़ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो कॉमा आएगा और अगर इफ़ से स्टार्ट नहीं हुआ गाइज तो कॉमा नहीं आएगा। सो गाइज दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो है गाइज के, यानी कि बोलने में हम ये जो सेंटेंस है जे वैसे ट्रांसलेट नहीं होता जैसे हम इसे बोलते हैं। आपको समझाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ गाइस, हमारी एग्जांपल थी अगर वो मेरे घर आएगा तो हम मार्केट जाएंगे, यानी कि आप इसे ट्रांसलेट करेंगे इफ़ ही विल कम एट माई होम वी विल गो टू मार्केट। गाइस ये थोड़ा सा गलत है, आप इसे ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते। आप क्या कर रहे हो, आप गाइस इफ़ के साथ वाला जो सेंटेंस है पहला सेंटेंस इसमें भी आप विल यूज़ कर रहे हो और जो सेकंड सेंटेंस है गाइस इसमें भी आप विल यूज़ कर रहे हो। इंग्लिश क्या कहती है कि आप दोनों जगह पर विल नहीं लगा सकते गाइस। जो इफ़ के साथ वाला है, यानी कि जो आपकी कंडीशन है, मेरे कहने का मतलब कंडीशन में आप विल का यूज़ गाइस नहीं कर सकते, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और जो आपका बाद में एक्शन होना है उसमें गाइस होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी कि इसकी स्ट्रक्चर जो आपके सामने है कि इफ़ उसके साथ वाला सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें आपको पता है कि क्या होता है, इसमें सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब के साथ एस जे ई एस और फिर ऑब्जेक्ट, और जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट के साथ विल और फिर फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइस कोई भी सेंटेंस हो कंडीशनल सेंटेंस का इस रूल का, तो आप इसे ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे, आप दोनों जगह पर विल का यूज़ नहीं करेंगे। सो हमारा सेंटेंस होगा गाइस इफ़ ही कम्स एट माई होम वी विल गो टू मार्केट, ये सही ट्रांसलेशन है गाइस इसकी। तो सेकेंड एग्जांपल देखते हैं टास्क 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं हर एक अपनी वीडियो में बताता हूँ टास्क 2 की एग्जाम्पल्स। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करेंगे तो वो अपनी यूनिवर्सिटी फीस पे करने के योग्य होंगे।
इफ स्टूडेंट्स डू पार्ट टाइम जॉब दे विल बी एबल टू पे देयर यूनिवर्सिटी फीस। सो गाइस, आपने देखा कि इसका जो पहला सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद में विल के साथ मैंने जो है फर्स्ट फॉर्म लगा दी। सो गाइस, थर्ड एग्जांपल है, अगर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है यंगस्टर्स को, यानी कि ग्रेजुएट्स को, तो जो पॉवर्टी का रेट है वो डिक्लाइन हो जाएगा। देखते हैं गाइस इसकी एग्जांपल। If government provide job opportunities to graduates, then the rate of poverty will decline. और guys, जहाँ पर मैंने then का use किया कॉमे के बाद, जे guys optional होता है, अगर आप कॉमे के बाद then word का use करना चाहें तो आप कर सकते हैं, otherwise guys जे okay होगा अगर आप इसे नहीं भी put करते तो, क्योंकि कॉमा जो है वो एक little pause होता है और वो सब कुछ clear कर देता है। तो guys, जे हमने example देखी टास्क टू की, और अब जो जहाँ पर इंटरेस्टिंग बात आती है वो मैं आपको बताता हूँ गाइस, कि जो हमारी कंडीशन सी जो इफ के साथ वाला है सेंटेंस, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया कि उसके आप उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, और सेकंड जो सेंटेंस है गाइस, अगर आप चाहें तो वहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट ना यूज़ करके आप वहाँ पर शुड, कैन, कुड, मे, माइट का भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। सो गाइस, अगर मैं कहूँ कि अगर गवर्नमेंट हेल्प करे पुअर स्टूडेंट्स की, तो एजुकेशन हर एक के लिए पॉसिबल हो सकती है। सो गाइस, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और ट्रांसलेट करता हूँ गाइस। इफ गवर्नमेंट हेल्प टू पुअर स्टूडेंट्स, एजुकेशन कैन बी पॉसिबल फॉर एवरीवन। सो गाइस, जहाँ पर मैंने कैन का यूज़ किया, कैन के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज़ किया, सो गाइस जो मॉडल है जहाँ पर जो एजन की फ्यूचर इंडेफिनिट है, जो आप पर डिपेंड करता है, आप कोई भी लगा सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट की सेंस हो तो आप वो लगाएंगे, और इसमें कोई मॉडल भी गाइस यूज़ हो सकता है, जो आपकी विश है। ओके, सो जो कंडीशन में है सो वहाँ पर गाइस प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ होगा, आप वहाँ पर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते गाइस। सो गाइस, लास्ट एग्जांपल है, अगर मैं कहूँ कि अगर वर्क प्लेस पर सभी जो लोग हैं वो रल मिल के काम करें, तो प्रोडक्टिविटी है उस ऑर्गेनाइजेशन की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसे हम गाइस ट्रांसलेट करते हैं, इफ़ पीपल वर्क इन ए टीम देन द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन विल इंक्रीज। तो सो गाइज, इस तरह की एग्जाम्पल्स, इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस आप अपने टास्क टू में यूज़ कर सकते हैं गाइज, और मुझ पर यकीन कीजिए कि जो एक बहुत ही स्कोरिंग स्ट्रक्चर होती है गाइज, जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं इसमें, तो यानी कि वैसे तो चार रूल होते हैं गाइज, ये हमारा पहला रूल था, और राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गाइज ये ही रूल यूज़ होता है। सो गाइज, आई होप कि आपने कंडीशनल सेंटेंस आज सीखे और आपको पता लगा कि ये कहाँ पर यूज़ होते हैं और जे कैसे यूज़ होते हैं। पर जो जो गाइस मेन टिप्स है वो आप याद रखिए कि कंडीशनल सेंटेंस दो सेंटेंस होते हैं, कॉमा इसे सप्लिट करता है दो सेंटेंस को, एक कंडीशन होती है और एक एक्शन होता है जो बाद में हमने करना होता है। ओके, और जे सेंटेंस जे डिपेंड करता है गाइस कंडीशन पर। ओके, और इसमें क्या होता है, इफ़ के साथ वाला जो है वो ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, और बाद में आप फ्यूचर इंडेफिनिट भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ गाइस कोई भी मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, ओके, मुझे सपोर्ट कीजिए अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है मेरी वीडियोस में, और मैं जल्दी आऊँगा एक न्यू वीडियो के साथ। ओके गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय।